और एक गाइस, सो अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था कि इस डांस वेबसाइट को होस्ट किया था इस डोमेन में जिसका नाम है programmingwithharry.com। और यहाँ पर मैंने थोड़ा जूम कर रखा है तो मैं इसको रिसेट कर लेता हूँ। तो दिस इज़ हाउ द वेबसाइट लुक्स एट दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको कर लेना। इसके कुछ ही पिछले वीडियोस में, यानी एक दो वीडियोस पहले जो मैंने बनाया है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग एक वेबसाइट जो कि हमने नोड जे एस में बनाया, मैंने इस वेब डेवलपमेंट कोर्स में नोड जे एस को एज अ बैकएंड स्टैक यूज़ किया है। तो बैकएंड मैंने नोड जे एस को इस्तेमाल किया, तो मैंने आप लोगों को बताया कि नोड जे एस में किस तरह से वेबसाइट को होस्ट करना है, ठीक है। फिर हमने अपाचे को एज अ रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ किया इस डोमेन पर। PM2 हमारा सब कुछ मैनेज कर रहा था, PM2 ने हमारी जो जितनी भी वेबसाइट्स हमने नोड से बनाई हैं वो मैनेज की। अब एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सस्ती सी ड्रॉपलेट बनाई है, बहुत सस्ती सी, और उसमें मैंने तीन तीन वेबसाइट्स खड़ी कर दी, तो मैंने दो स्टॉप कर दी हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ नहीं चलेगी, जब तक आपका जो CPU है और जो भी लिमिट्स हैं आपके कंप्यूटर की, यानी कि ये वाले VPS की, वर्चुअल कंप्यूटर की, वो जब तक हिट नहीं होंगी तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपीयरेंस में जाके ज़रा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ उसकी, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। आज का वीडियो वैसे हम लोग जो करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग आज के वीडियो में एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, HTTPS अपने डोमेन को देंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो इसको, और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये देखो नॉट सिक्योर लिख कर आ रहा है। नॉट सिक्योर इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल पे चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि HTTPS करने का क्या फ़ायदा है। अब HTTPS करने का फ़ायदा या फिर SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने का फ़ायदा आप लोगों को मिलता है कि आप मैन इन द मिडल अटैक से बच जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनको ये सब बारे में नहीं मालूम है, वो लोग HTTPS को हमेशा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर सिक्योर लिख कर आता है। तो आप किसी भी वेबसाइट पर अगर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर आप लोग अपने पैसे खर्च करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, कनेक्शन इन सिक्योर अगर आप लोग को नहीं दिखे यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप लोग बिल्कुल सस्पिशियस हो सकते हैं। आप लोग कहेंगे यार मेरी कहीं क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह से मेरा क्रेडिट कार्ड हैक ना हो जाए या मेरे पैसे कोई अकाउंट से यार गलती से ना निकाल ले। और मतलब लोगों के पैसे यार बहुत प्यारे होते हैं उनको, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज की ये जो सिक्योर वाला लॉक है, किस तरह अपनी वेबसाइट में लाना है। मैं इसको इसलिए इस तरह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी वाले डोमेन में घुसकर क्रिप्टोग्राफी को सीखें। SSL सर्टिफिकेट एग्जैक्टली क्या करते हैं? SSL सर्टिफिकेट्स बेसिकली एक डेटा फाइल्स हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं करते हैं वो। सिंपली आप लोगों को बाइंड करते हैं डिजिटली एक की और एक ऑर्गेनाइजेशन डिटेल को। मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा SSL के अंदर, मैं ये नहीं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से ये एक्चुअली काम करती है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी एक दूसरा टॉपिक है और HTTPS अपने डोमेन में अपने क्लाइंट को देना एक दूसरी बात है। आज हम लोग देखेंगे कि फ्री में ये काम कैसे किया जाता है, फ्री में HTTPS किस तरह से प्राप्त किया जाता है, आप अपनी वेबसाइट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो SSL सर्टिफिकेट है वो एक डोमेन को इशू किया जाएगा, यानी कि मैं programmingwithharry.com के लिए ये जो SSL सर्टिफिकेट है उसको रिक्वेस्ट करूँगा। एक बार मुझे मिल जाता है तो क्या होगा, प्रोग्रामिंग विद हैरी में कोई भी आएगा तो यहाँ पर नॉट सिक्योर नहीं, सिक्योर वाला ताला लग के आएगा और आपके जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि यार बहुत बढ़िया, अब हमको ताला दिखता है। तो कभी फ्यूचर में प्रोग्रामिंग विद हैरी कुछ बेच रहा है तो शायद वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में हिचकिचाएंगे नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं हिचकिचाएंगे? क्योंकि उनकी जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर है, मैन इन द मिडल अटैक से बच जाएंगे वो। तो मैन इन द मिडल अटैक जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। देखो क्या होता है, मान लो ये मैं हूँ, ये कनेक्शन है और ये जो है सर्वर है, ठीक है। मान लो यहाँ से मैंने मान लो यहाँ पर एक तार डाला, ठीक है, इसने भेजा मुझे कुछ और यहाँ पर एक किसी ने बीच में तार काट के कुछ और मुझे भेज दिया। तो बेसिकली तार का मतलब है कनेक्शन। अब अगर यहाँ पर मैं HTTPS का इस्तेमाल करता हूँ तो ये जो है वो बिल्कुल भी मुझे मतलब नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं एक मैन इन द मिडिल हूँ, अगर मैं इसको हैक करने की कोशिश करूँ HTTPS प्रोटोकॉल पे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखो यहाँ पर जो इमेज है बहुत अच्छी तरह से इसको समझाती है मैन इन द मिडिल अटैक को। तो ओरिजिनल कनेक्शन को वो हटा के बीच में खुद आ जाता है और जो डेटा है उसको देख लेता है और चुरा भी सकता है वो, तो और उसके बाद भेज देता है। तो कभी भी आप लोग मैन इन द मिडल अटैक से बचना चाहते हैं HTTPS का इस्तेमाल करें। लेकिन HTTPS अपनी वेबसाइट पर लाए कैसे? तो हम लोग यहाँ पर उबंटू सर्वर पर हैं, आप लोगों को फिर से बता दूँ। फाइल ट्रांसफरिंग के लिए फाइलजिला मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और वो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बता दिया। अगर आप लोगों ने बाय द वे ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ऊपर यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने इस कोर्स
कोर्स में पूरा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पैक करके रखी हुई है, और आप लोगों को HTML से स्टार्टिंग करते हुए CSS और उसी के साथ साथ JavaScript, एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल इसको एक्सेस करना और काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोगों को मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में कैसा लग रहा है। चलो आ जाओ करते हैं अपने SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे लेट्स इनक्रिप्ट। तो लेट्स इनक्रिप्ट क्या है? लेट्स इनक्रिप्ट एक फ्री, देखो लिखा है इज अ फ्री ऑटोमेटेड एंड ओपन सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी हमको चाहिए सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए अपने डोमेन को। हम लोग लेट्स इनक्रिप्ट यूज करेंगे क्योंकि वो फ्री है। ठीक है, और लेट्स इनक्रिप्ट प्लस डिजिटल ओशन, देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा था अभी, डिजिटल ओशन और अपाचे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर सही से सर्च नहीं किया, तब भी मुझे देखो मिल गया आर्टिकल, हाउ टू सिक्योर अपाचे विद लेट्स इनक्रिप्ट। तो ये जो गाइड है डिजिटल ओशन की, मुझे आराम से इसको फॉलो करना है, और इसको फॉलो करते समय जो जो ये बता रहा है वो मुझे आराम से फॉलो करना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस गाइड को पूरा पढ़ें, मैंने इस गाइड को पूरा पढ़ा हुआ है और मैं बता रहा हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो ये कह रहा है कि आप क्या करें, इस रिपोजिटरी को ऐड कर लें, और आप इस कमांड को जैसे ही चलाएंगे तो आपकी ये रिपोजिटरी जो है वो ऐड हो जाएगी। देखो ये कह रहा है एंटर करें, और इसमें से अब आप जो है पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एप्ट इंस्टॉल करके पाइथन सर्ट बॉट अपाचे जो है इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये किया, वाई एंटर करूँगा, और ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक सर्ट बॉट भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ताकि जो मेरा सर्टिफिकेट है जो कि शायद 90 दिन के लिए मुझे मिलता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक डोमेन के लिए, और 90 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बार बार खुद से रिन्यू करूँ सर्टिफिकेट। सर्वर के अंदर मैं कभी नहीं घुसना चाहूँगा, अगर मैं एक वेबसाइट मैनेज कर रहा हूँ, एक वेब मास्टर हूँ, मैं नहीं चाहूँगा बार बार हर वेबसाइट के लिए मैं जो है बार बार सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करता फिरूँ। मैं चाहूँगा कि कोई मेरे लिए ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कर दे, और वो सर्ट बॉट है जो कि मेरे लिए ये काम को ऑटोमेटिकली करता है। मैंने इंस्टॉल कर लिया ये पाइथन का जो सर्ट बॉट था। अब मुझे एक SSL सर्टिफिकेट को जो है सेटअप करना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप सर्वर नेम में आपका यहाँ पर डोमेन होना ज़रूरी है, और मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, मैं CD करूँ ETC अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल, और उसके बाद मेरा आई थिंक इट वॉज टेस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टेस्ट डॉट, हाँ मेरा ये था, देखो मैंने यहाँ पर programmingwithhari.com यूज़ किया हुआ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वो वेबसाइट है जो कि चल रही है मेरी, और जो node1.conf है वो भी मेरी चल रही है कि नहीं चल रही है आई एम नॉट श्योर यार। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ इसको, नहीं, मेरी नोड वाली वेबसाइट चल रही है बाय द वे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और ये जो टेस्ट वाली वेबसाइट थी ये मैंने सिंपली pwh.com करके ये किया था। तो आप लोग क्या करें कि ये जो आपके फालतू की कॉन फाइल्स पड़ी हुई हैं इनको हटा दिया करो। ठीक है, तो मैं इनको बाद में हटाऊंगा बाय द वे। तो मेरी node1 वाली वेबसाइट है जो कि मैं सिक्योर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको विम को करूँ, node1.conf करूँ अगर यहाँ पर, तो क्या होगा, और मैं यहाँ पर विम लिखता हूँ, और यहाँ पर देखो मैंने सिंपली programmingwithhari.com करके इसको रीडायरेक्ट कर दिया है लोकल होस्ट 8000 पे। ठीक है, तो एक तरह से रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ किया है। रिवर्स प्रॉक्सी एग्जैक्टली किस तरह काम करती है अभी के लिए बस इतना समझो कि programmingwithhari.com पर कोई भी आएगा उसको बड़े प्यार से यहाँ भेज दिया जाएगा, और यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि उसको यहाँ भेज दिया गया है, ऐसे समझ लो। अगर कोई अपने कंप्यूटर में डालेगा programmingwithhari.com तो वो बेसिकली इसको एक्सेस कर रहा है, मेरे लोकल होस्ट 8000 को। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये node1.conf मेरा जो कॉन फाइल है वो एकदम रेडी है, उसमें मैंने डोमेन डाल रखा है। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें में मत जाओ आप, ये सर्टिफिकेट क्या करेगा जाकर बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप ये चला लो कमांड एक बार, ताकि आपके अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन ठीक है कि नहीं ये पता चल जाए। मुझे पता है मेरा अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, सिंटैक्स ओके लिख कर आ रहा है, ये आपको मिल सकता है। ग्लोबली आप सप्रेस करना चाहते हैं इस मैसेज को, तो सर्वर नेम डायरेक्टिव आप इसको सेट कर लें ये बोल रहा है, बट रहने दो अभी, इट्स ओके, सिंटैक्स ओके लिख कर आ रहा है, बढ़िया। कुछ और अगर आपने गलती करी है तो शायद आप लोग को सिंटेक्स ओके लिख कर नहीं आएगा। ठीक है, कब होता है ये, जब आपकी node1.conf में कोई सिंटेक्स एरर आ जाए तब होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपने अपाचे 2 को जो है रीस्टार्ट कर लो, ज़रूरी नहीं है बट कर लिया रीस्टार्ट कह रहा है। तो ठीक है, अब ये कह रहा है आप HTTPS को आपको अलाउ करना पड़ेगा अपनी फायरवॉल के थ्रू। कह रहा है अपने फायरवॉल का स्टेटस देखो, तो मेरी फायरवॉल का स्टेटस इनएक्टिव है, कह रहा है कि भाई फायरवॉल आपकी नहीं चल रही है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे अपाचे फुल को, कॉपी करता हूँ इसको, और डिलीट करेंगे जो हमने पहले अलाउ अपाचे किया हुआ था। तो ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी इसको जो है ऐड कर रखा है रूल को, मैंने कभी कर लिया होगा बट आपका लिख कर आएगा अगर आपने नहीं किया है तो।
कि एडिंग रूल, ठीक है। तो जो जैसे जैसे ये बोल रहा है इसको मैंने रन कर दिया, और ये कह रहा है कि ऐसा रूल कोई था ही नहीं तो डिलीट कैसे करूँ। तो ठीक है चलो बढ़िया, हमने कभी फायरवॉल यूज़ नहीं करी, ठीक है, फायरवॉल मैंने अलाउ नहीं करी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ऐसे करूँगा और स्टेटस इनएक्टिव है, UFW इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ पर आप वाई एंटर कर लें, फायरवॉल इज़ एक्टिव एंड इनेबल्ड ऑन स्टार्टअप, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टेटस जो है इसका वो बताओ। तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर रखी हैं, अपाचे फुल अलाउ कर रखा है, अपाचे फुल V6 अलाउ कर रखा है, फिर मैंने 3000 और 3001 पोर्ट्स को भी अलाउ किया हुआ था डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए, बट आप लोग जो है इनको हटा सकते हैं, कभी भी कोई पोर्ट को ऐसे अलाउ ना करें, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने क्या किया था, कहाँ गया मेरा ब्राउज़र, ये रहा मेरा ब्राउज़र, ओपन SSH को भी मुझे अलाउ करना है, तो मैं ओपन SSH को भी अलाउ करूँगा, नहीं तो मैं इस कंप्यूटर के अंदर जो है घुस नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो ओपन SSH को भी अलाउ कर दो, UFW अलाउ ओपन SSH, ठीक है। तो ये ऐड हो गया देखो रूल। तो अभी मैं स्टेटस देखूँ तो देखो ओपन SSH भी इसने अलाउ कर दिया, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सर्टिफिकेट को ऑप्टेन करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप क्या करें, yourdomain.com जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आपको लिखना है programmingwithari.com, ठीक है। ये काम शायद मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ज़्यादा अच्छा कर लेता, बट ठीक है यार, थोड़ा बहुत टाइप ठीक ठाक कर लेता हूँ मैं, तो सही है चलेगा, ठीक है। कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पर, एंटर करूँगा। तो ये क्या करेगा, ये कह रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस डाल दो भाई, कभी अर्जेंट रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ गई तो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं देना अपना एड्रेस, ठीक है, सॉरी मैंने कैंसिल कर दिया इसको। अगर आप लोग नहीं देना चाहते ईमेल तो शायद आप एंटर मार सकते हैं, नहीं शायद आपको ईमेल देना ही पड़ेगा, लगता है मुझे ईमेल देना ही पड़ेगा, तो मैं ईमेल दे देता हूँ .com। और ये देखो ये कह रहा है एग्री करते हो आप टर्म्स से या नहीं करते हो, एग्री कर दिया मैंने। और ये कह रहा है वुड यू बी विलिंग टू शेयर योर ईमेल एड्रेस, तो मैं कहूँगा नहीं भाई मेरा ईमेल एड्रेस शेयर मत करना। फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सारे काम कर रहा है, चैलेंजेस दे रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि ये डोमेन ही है या कोई और डोमेन है। तो बेसिकली ये आपके सर्वर पर कुछ चेक्स वगैरह रन करता है, और सब कुछ करने के बाद ये कह रहा है कि देखो भाई ऐसा है, कभी कभी यूज़र जानबूझ कर आपकी वेबसाइट पर HTTP प्रोटोकॉल लेकर आएगा, क्या उन्हें रिडायरेक्ट करना चाहते हो HTTPS पे? आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, कोई भी HTTP लिखे तो वो खुद ही रिडायरेक्ट हो जाए HTTPS में, तो टू दबा देना, एंटर मारो। कह रहा है आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, बधाई हो, मतलब आप पार्टी वार्टी कर लो, मज़े करो, ऐसे बोल रहा है ये आपको। और यहाँ पर देखो इन्होंने वही बताया जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये चला भी कि नहीं चला, तो रिलोड करूँगा इसको, ये देखो ताला बन के आ गया, कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। और www.programmingwithari.com पर देखो क्या हो रहा है कि ये सिक्योर हो गया है, बहुत सही, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा ये, और ये देखो बहुत सही यार। और अगर मैं मान लो जानबूझकर भी HTTP पे जाता हूँ, मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं नई टैब खोल के HTTP पे जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे HTTP चाहिए, वो कहेगा नहीं बेटा HTTPS पकड़ो, HTTPS इसलिए पकड़ो क्योंकि तुमने यहाँ पर चूज़ किया है कि मुझे हमेशा HTTPS पर रिडायरेक्ट करो। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, आपने टू दबाया था कि रीडायरेक्ट मेक ऑल रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट टू सिक्योर HTTPS, तो आपने खुद ये चूज़ किया था। तो आपने अब यहाँ पर क्या किया कि एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया और HTTPS को सक्सेसफुली जो है इनेबल कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो सर्ट बॉट है वो आपका ऑटोमेटिकली जो है सर्टिफिकेट को रिन्यू कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, अब ये कह रहा है कि लेट्स इनक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स आर वैलिड ओनली फॉर 90 डेज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। और ये यूज़र्स को इनकरेज करने के लिए इन्होंने बोला, अब देखो मान लो कि कोई सर्वर जो है चल ही नहीं रहा है, कोई डोमेन चल ही नहीं रहा है, उस डोमेन ने जो है SSL सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं 90 दिन में एक्सपायर कर लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपका सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये हमें जानना है, तो आप लोग क्या करो अपने सर्वर से रिन्यू करो, ठीक है। तो सर्ट बॉट पैकेज जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है, और एक क्रॉन जॉब जो है वो रन करता है। क्रॉन जॉब का मतलब होता है कि एक ऐसी जॉब, जॉब का मतलब एक ऐसे कमांड्स, एक बैश फाइल कह लो जो कि रन होती है आपकी रेगुलर इंटरवल में, जैसे कि मान लो आप क्रॉन जॉब लगा सकते हो हर 10 दिन की, आप क्रॉन जॉब लगा सकते हो हर 20 दिन रन होने की, हर घंटे रन होने की, हर मिनट रन होने की। तो क्रॉन जॉब, इसकी एक बहुत अच्छी वेबसाइट भी है बाय द वे, क्रॉन जॉब की, क्रॉन जॉब फॉर 1 डे लिखो अगर मैं, तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट आती है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से, हाँ क्रॉन टैब गुरु डॉट गुरु, ये वेबसाइट बहुत बढ़िया है यार, ये वेबसाइट सब लोग देखना, क्रॉन टैब डॉट गुरु,
मैं नहीं जानता किसकी वेबसाइट है ये, बट बहुत बढ़िया वेबसाइट है, मैंने काफ़ी यूज़ किया, तो सब लोग इसको जो है डाल लो, कभी फ्यूचर में लिनक्स वगैरह आप लोग रन करोगे तो काम आएगी, बहुत काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी सिंपली मैंने अपना जो सर्टिफिकेट था वो ले लिया है, तो अब मैं यहाँ पर ये कह रहा है कि टेस्ट करना है आपको रिन्यू प्रोसेस को, तो इसको आप रन कर लो, तो चलो ये भी कर लेते हैं। मैं टेस्ट कर रहा हूँ रिन्यूअल को, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सर्ट नॉट ड्यू फॉर रिन्यूअल बट सिम्युलेटिंग रिन्यूअल फॉर ड्राई रन। ठीक है, तो ये रिन्यूअल को सिम्युलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो ये चल रहा है, और यहाँ पर ये कह रहा है योर अकाउंट क्रेडेंशियल हैव बीन सेव्ड इन योर सर्ट बॉट ड्राई रन सिम्युलेटिंग, ये कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन रिन्यूअल सक्सेसफुली। ठीक है, तो बढ़िया, तो आपका काम जो है बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, अब ऑटोमेटिकली आपके सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएंगे, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि ये चीज़ जो है सबको क्लियर हो गई होगी, और यहाँ पर देखो ये कह रहा है इफ़ यू सी नो एरर्स यू आर ऑल सेट, व्हेन नेसेसरी सर्ट बॉट विल रिन्यू योर सर्टिफिकेट एंड रिलोड अपाचे टू पिक अप द चैलेंजेस सॉरी चेंजेस। अब यहाँ पर क्या है कि इफ़ द ऑटोमेटेड रिन्यूअल प्रोसेस फेल्स आपको एक ईमेल किया जाएगा, तो बहुत बढ़िया। तो इनने जो ईमेल लिया था मुझसे, ये उसमें मुझे ईमेल करेगा, बहुत ही बढ़िया यार। तो एक तरह से HTTPS को फ्री में पाने का एक बहुत अच्छा तरीका, निंजा टेक्निक कह लो, निंजा टेक्निक। नीचे कमेंट में सब लोग लिखो जिसने आज तक वीडियो देखा है कि मैंने यूज़ कर ली SSL प्राप्त करने की निंजा टेक्निक। मुझे पता है थोड़ा बड़ा है, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार कौन लिखे, बट जो लिखेंगे उनका नाम कम से कम मैं देखना चाहता हूँ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जल्दी से SSL सर्टिफिकेट लिखूंगा, और यहाँ पर देखो मुझे कितने सारे एड्स दिखाने लग गए। ये कह रहा है मुझे मुझे 699 रुपये दे दो। यार 699 रुपये का मैं 10 दिन खाना खाऊंगा आराम से, डोसा वोसा खाऊंगा बाहर जाकर, और भी चीज़ें होती हैं नूडल्स फास्ट फूड थोड़ा बहुत खाऊंगा जाकर, मैं क्यों दूँ यार 699 रुपये जब मैं ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर कर सकता हूँ रिन्यू, अपने सर्टिफिकेट्स ले सकता हूँ। तो इनको पैसे देने से अच्छा उन पैसों का कुछ अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, हेल्थ कॉन्शियस हो तो उन्हीं पैसों को जो है अपनी सेल्फ उस पर लगाओ, कपड़े वपड़े खरीदो अपने लिए। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यार, ये जो SSL सर्टिफिकेट्स हैं चीप हमको नहीं चाहिए, हमने फ्री में प्राप्त कर लिया SSL सर्टिफिकेट। आप एक प्रोग्रामर हैं, आप लोग जानते हैं ये सब कैसे किया जाता है, आपने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है, आप समझदार इंसान हैं, आपने ऊपर क्लिक करके बुक मार्क भी किया है, नीचे क्लिक करके सेव भी किया है, और आप लोगों ने ये वीडियोज़ सारे देखे हैं, और आप लोग जो है सेल्फ लर्निंग में बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना जानते हैं। सो आई होप कि SSL सर्टिफिकेट सबका इंस्टॉल हो गया होगा, ये जो स्टेप्स हैं जो मैंने बताई सारी की सारी सबके लिए बहुत बढ़िया चल गई होंगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक डोमेन खरीदो, बहुत महंगा नहीं है, खरीदो होस्ट करो जैसे बताया, नोड जेएस में PM2 वगैरह लगाओ, और उसके बाद ये जो SSL है आपकी वेबसाइट पर मैं आऊँ तो मुझे नॉट सिक्योर दिखाकर शर्मिंदा मत करना, मैं यही देखना चाहता हूँ कनेक्शन इज सिक्योर। सो आई होप सब लोग बहुत अच्छी तरह से इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर पाए होंगे, और सबको बहुत मज़ा आया होगा इसको देखने में। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, वीडियो लाइक करना यार बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।